वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग जानेंगे 5 मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन व्हिस्कीज के बारे में। जी हाँ, इंडिया में हम लोग जब व्हिस्कीज को खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं? 500, 600, 1500 मैक्सिमम। तो फिर अब जान लीजिए कि इंडिया में कुछ इंडियन व्हिस्की ऐसा भी है जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 36,000 से। जी हाँ, 36,000 रुपए। और तो और कुछ व्हिस्कीज है जिसका प्राइस है 1,30,000 रुपीज, और हम इंडियन उनसे व्हिस्कीज को खरीदते भी हैं। जी हाँ, ये कोई स्कॉच व्हिस्कीज नहीं है, ये सिंपली मेड इन इंडियन व्हिस्की है। सोचिए यार, कितना एक्सपेंसिव व्हिस्कीज बाजार में मिलते हैं। फ्रेंड्स, खरीदिए या ना खरीदिए, जान लीजिए इन सब व्हिस्कीज के बारे में जो आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कभी किसी के साथ अगर बात करेंगे तो ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप अगर किसी को दीजिएगा तो आपको ना अलग नजरिए से देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 5 मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन व्हिस्कीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ठहरो यार, आप लोग फिर भूल गए हो, लाइक और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि इस वीडियो के जरिए आप उन व्हिस्कीज के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उन व्हिस्कीज को कैसे बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ऑफ कोर्स शेयर करूंगा उसका टेस्ट पैलेट आपको क्या क्या मिलने वाला है। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है मिलना, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं ये जो लिमिटेड एडिशन व्हिस्कीज है ये निकलते हुए। फिर भी अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको मिल भी जा सकता है। तो शुरू करते हैं, और 5वें नंबर पर है पॉल जॉन मार्स ऑर्बिटर। जी हाँ, ये व्हिस्की को बनाते हैं पॉल जॉन डिस्टिलरी, और इसका प्राइस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसका प्राइस है 37,600 रुपीस। जी हाँ, और इसका जो अल्कोहल परसेंटेज है वो काफी हाई है, 57.8% अल्कोहल। ओनली 330 बॉटल्स को रिलीज किया गया था मार्केट में सेल करने के लिए। पॉल जॉन मार्स ऑर्बिटर एक सिंगल मॉल्ट व्हिस्की है, साथ साथ ये एक लिमिटेड एडिशन सिंगल मॉल्ट व्हिस्की भी है। मार्स ऑर्बिटर पीटेड को लॉन्च किया गया था टू सेलिब्रेट द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशंस, और आप बोल सकते हो इन ऑनर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर का जो कलर है ये है रेड कॉपर, और ये जब आप पहले नोज करेंगे तो आपको एक धमाकेदार भपका मिल सकता है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है काफी हाई है, जैसे कि 57.8%। उसके बाद हल्का पी टोट के साथ आपको मिल सकता है फ्रूटी स्वीटनेस, मेपल सिरप, बर्न्ड वुड एंड वनीला नोट्स, एंड यू माइट गेट अ फ्लोरल हिंट ऑल्सो। पैलेट का अगर बात करो तो पैलेट में आपको फ्रूटी नोट के साथ साथ पेपर, नटमेग एंड स्पाइसेस का भी नोट मिल सकता है। बैलेंस वुडी नोट के साथ आपको डार्क चॉकलेट एंड ऑरेंज भी मिल सकता है, एंड ऑफ कोर्स पीट नोट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और फिनिश का बात करूं तो वुडी स्वीटनेस के साथ आपको पीट एंड पेपर, साथ साथ आप लिटिल बिट ऑफ स्पाइस को भी फील कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पर कौन है? नंबर 4 पर है अमृत स्पेक्ट्रम सिंगल मॉल्ट व्हिस्की। इसका प्राइस है 51,400 रुपीज, और इस व्हिस्की का जो एल्कोहल परसेंटेज है वो है ओनली 50%, सिर्फ 50%, और 1800 बॉटल को रिलीज किया गया था। अमृत स्पेक्ट्रम सिंगल मॉल्ट को एक अद्भुत कास्क में या बैरल में बनाया गया है। 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ओक को इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर बैरल को बनाया गया है, और उसमें व्हिस्की को एज किया गया है। एक नए तरीके का इनोवेशन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक नए तरीके का सोच। ये एक कस्टम बिल्ड बैरल है जो वर्ल्ड का पहला एक अनपैरेलल इनोवेशन है। यूजुअली जब भी ओक बैरल को बनाते हैं तो वहां पर एक ही किस्म का ओक स्टीप को इस्तेमाल किए जाते हैं, बट यहां पर 4 अलग अलग ओक स्टीप को इस्तेमाल की गई है, वन आफ्टर वन उसको जोड़ के एक बैरल को बनाया गया है। सो बैरल को बनाने के लिए न्यू अमेरिकन हेविली चार्ड ओक स्टीप्स को इस्तेमाल की गई है, साथ साथ फ्रेंच ओक विथ लाइट टोस्टिंग स्टीप्स, ओलोरोसो स्टीप्स एंड पेड्रो ह्यूमिनस सेरी स्टीप्स को इस्तेमाल की गई है इस पर्टिकुलर बैरल को बनाने के लिए। नाउ देर आर 2 पार्ट ऑफ मैचुरेशन प्रोसेस टेक्निक, मतलब व्हिस्की को जब एज किया गया है तो 2 अलग अलग टेक्निक को इस्तेमाल की गई है, जैसे कि
फर्स्ट फील जो फर्स्ट स्पिरिट होते हैं उसको एक्स बर्बन अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल में मैच्योर किए गए हैं एंड देन ट्रांसफर इनटू द कस्टम मेड बैरल्स टू एज फॉर फ्यू इयर्स और उसके बाद व्हिस्की अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं जो आपका व्हिस्की ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। नोज में मिलता है रेजिन फिग्स ऑरेंज कैरमेल ड्राइड फ्रूट्स इवन कोका। टेस्ट में आपको शेरी बटरस्कॉच चॉकलेट वॉलनट्स एंड आलमंड का नोज मिलते हैं और फिनिश कैरमलाइज्ड आलमंड एप्रिकोट एंड नट्स आपको मिलते हैं। चलिए नंबर थ्री पे मूव करते हैं और नंबर थ्री पे भी बहुत एक्सपेंसिव विस्की है जिसका प्राइस है 68,000 रुपीज और ये बनाता है अमृत। जी हाँ, अमृत डिस्टिलरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरी फ्रॉम इंडिया जो बेहतरीन उसकी बनाते हैं और इन्हीं की पोर्टफोलियो में आते हैं ये ब्रांड। नाम है अमृत 10 इयर्स ग्रीडी एंजल पीटेड रम कास्क। अल्कोहल परसेंटेज है 57.1% और सिर्फ 450 बॉटल को ही बनाया गया था इसको सेल करने के लिए। अमृत ग्रीडी एंजल पीटेड एक रिच एंड स्मोकी सिंगल मॉल्ट विस्की है, इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की है और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जानना जरूरी है कि दिस इज द मोस्ट एज्ड बॉटल इन इंडिया। जी हाँ, 10 इयर्स ओल्ड इसमें लिखा हुआ है। एक बार सोचिए कि इंडिया में 10 इयर्स मतलब स्कॉटलैंड में ये 40 इयर्स का इक्विवेलेंट होते हैं, तो इमेजिन कीजिए विस्की का वैल्यू को। ग्रीडी एंजल एक सीरीज है अमृत डिस्टिलरी का और ये जो बॉटल है ये 2019 का रिलीज है। 10 इयर्स अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल में मैच्योर करने के बाद एक्स रम कास्क में इस विस्की को फिनिश किए जाते हैं। देयरफॉर यू माइट गेट वुडी एरोमास मिंगल विद स्मोकी पीट स्वीट स्पाइसेस एंड मर्मलेट। नोज में आपको मिल सकता है मोस्ट डेलिकेट ऑफ ब्लड ऑरेंज इंडियन स्पाइस स्मोकी रिच विथ वनीला एंड अदर फ्रूट्स एंड ऑफ कोर्स हनी स्वीटनेस। पैलेट में इट कैन ऑफर्स नोट ऑफ बटरस्कॉच कैंडिड सिट्रस फ्रूट्स एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स फॉलोड बाय सॉफ्ट स्मोक एंड रम सोक्ड रेजिन्स एंड फिनिश में ये रिच स्मोकी वुडी विथ सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस। चलिए मूव करते हैं नंबर टू पे और नंबर टू पर है अमृत 10 इयर्स ओल्ड ग्रीडी एंजल पीटेड शेरी कास्क और इसका प्राइस है 76,000 रुपीज और इस विस्की को भी बनाते हैं अमृत डिस्टिलरी और इस विस्की का जो अल्कोहल परसेंटेज है ये काफी हाई है 62%। यूजुअली विस्कीज में हम लोगों को जो अल्कोहल परसेंटेज मिलते हैं वो मिलता है 42.8 बट यहां पर आपको मिलेगा 62% अल्कोहल और सिर्फ 324 बोतल को ही बनाया गया था इस पर्टिकुलर विस्की को सेल करने के लिए मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि ग्रीडी एंजल एक सीरीज है एंड इन सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट सिंगल मॉल्ट और इस विस्की का मोस्ट ऑफ द फ्लेवरिंग नोट्स ड्राइव हुआ है फ्रॉम कास्क और बैरल। इस विस्की को पहले 7 इयर्स पेड्रो ह्यूमिनस सेरी बर्ड्स में मैच्योर किया जाता है और बाकी के 3 इयर्स अमेरिकन एक्स बर्बन एंड वर्जिन ओक कास्क में फिनिश किया जाता है और इस बेहतरीन उसकी को एक्सेप्शनली स्टाइलिश एक कांच के डिकेंटर में सर्व किया जाता है। नोज में ब्लास्ट ऑफ शेरी बेकिंग स्पाइसेस कैंडिड ऑरेंज नटमेग सिनेमन एंड पेपर स्पाइसेस आपको मिल सकते हैं। पैलेट में ये काफी ऊडी बन जाती है, थोड़ी सी जिंजर वनीला हनी एंड फिक्स का नोट भी आपको मिल सकता है, साथ साथ ओक नोट तो है ही है। साथ साथ अगर फिनिश का बात करूं तो ये ड्राई है, पीटी सॉल्टेड एलमंड्स एंड सुपर लॉन्ग फिनिश। नाउ नंबर वन और नंबर वन पर जो विस्की के बारे में आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जो विस्की का नाम मैं बताने वाला हूं उसका प्राइस सुन लीजिए 1,13,000 ओनली। जी हाँ, सिर्फ 1,13,000 और इस विस्की का नाम है रामपुर सिग्नेचर रिजर्व सिंगल मॉल्ट विस्की और इस बेहतरीन विस्की को बनाते हैं रामपुर डिस्टिलरी। इस विस्की का अल्कोहलिक परसेंटेज जो है वो 43.9% है, उतना ज्यादा नहीं है और इस पर्टिकुलर विस्की को 400 बॉटल बनाए गए थे सेल करने के लिए। इस लिमिटेड एडिशन विस्की को लॉन्च किया गया था टू सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ डिस्टिलिंग एट रामपुर।
Each bottle is individually numbered and carries the signature of Dr. Lalit Khaitan, chairman of Rampur Distillery. फिलहाल ये UK, Europe, USA and Asia Pacific कुछ selected market में मिल सकती है. Dubai and Indian duty free shop में भी आपको ये brand मिल सकते हैं. इस लिमिटेड एडिशन व्हिस्की को मैच्योर किया गया है अमेरिकन प्रीमियम क्वालिटी व्हाइट ओक बैरल में फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद स्पेशली हैंडपिक्टेड 4 रिजर्व कास्क को मास्टर मेकर को दिया गया है उसको फर्दर पेड्रो ह्यूमिनेस सेरिबार्ड में दोबारा मैच्योर करने के लिए, जिसको कहा जाता है फिनिश. नोज में मिल सकता है वंडरफुल इंटेंस रिच पेड्रो ह्यूमिनेस शेरी नोट्स, क्रीमी वनीला और स्वीट टॉफी नोट्स, स्पाइसी नोट ऑफ सिनेमन, ड्राइड फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड ओक नोट्स भी. पैलेट में आप फील कर सकते हैं रिच एंड क्रीमी माउथ कोटिंग फॉलोड बाय एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ टॉफी. साथ साथ क्रिसमस पुडिंग एंड बर्न्ड सिनेमन का नोट भी आप एहसास कर सकते हैं. फिनिश का अगर बात करूं तो ये लिंगरिंग एंड सेटिस्फाइंग है विद ड्राइड फ्रूट्स एंड ओकी स्वीटनेस. दिस इज वन ऑफ द लग्जरियस व्हिस्की अवेलेबल इन इंडिया. तो कैसा लगा ये काउंटडाउन शो, कैसा लगा ये सारे के सारे कलेक्शंस? क्या आप इन सब कलेक्शंस को रखना चाहेंगे आपके पास? अगर आप कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीके से रख पाए तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फ्लैश हो रहा है, वहां पर टैग जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. जय हो.